बीएस का सर्विस करने वाले हैं, तो उसमें क्या क्या करना जरूरी होता है, जैसे कि जिसको टूनअप बोलते हैं, जैसे कि कभी कभी आप सर्विसिंग बोलते हैं, टूनअप बोलते हैं, ट्रेनिंग बोलते हैं, उसी के बारे में आज जानेंगे। जैसे कि आप नई गाड़ी बी एस सिक्स लिए हुए हैं, तो उसमें क्या क्या करना बहुत जरूरी होता है, तो गाइस चलिए आपको दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप और क्या क्या उसमें बेहद जरूरी होता है, जैसे कि क्या क्या चेंज करना बहुत जरूरी होता है। तो जैसे कि आपको बता देते हैं, जैसे कि फिल्टर हो गया, इंजन ऑयल हो गया, और जो उसका टोटल बॉडी रहता है उसको क्लीन करना बहुत जरूरी है। ये बी एस सिक्स बाइक में जो है उसको चेक करना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आपको दिखाते हैं, तो चलते हैं गाड़ी के पास। तो गाइस देख सकते हैं, जैसे कि हमारे सामने होंडा यूनिकॉर्न 160 है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि बी एस सिक्स में 160 निकाला हुआ है, तो काफ़ी चलने में शानदार होती है। और जैसे कि इसमें क्या क्या करना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसमें हम आज जानेंगे। तो जैसे गाइस, तो आप देख सकते हैं, जैसे कि ये है हाफ कवर, जैसे कि चैन कवर का जो छोटा सॉकेट रहता है उसको हाफ कवर बोलते हैं। इसको खोल के जैसे कि क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा मिट्टी जमा हो जाता है, तो इसकी वजह से जो हमारा ऑयल सील रहता है वो कट जाता है और चैन में काफ़ी दिक्कत होती है, जैसे कि आवाज़ मारने लगता है। फिर दूसरा आता है जो चैन है उसको क्लीन करना पड़ता है, और आगे पीछे का चक्का जो होता है खोलकर उसको अच्छे से जो बैरिंग रहता है, लाइनर रहता है, वो सब क्लीन करना पड़ता है। तो वैसे ही सेम प्रोसेस आगे का भी है, चक्का जैसे खोल के डिस्पैच चेक करना, बैरिंग चेक करना। तो जैसे देख सकते हैं, आपको दिखा देते हैं, जैसे गाइस देख सकते हैं, इसको डिस्पैच बोलते हैं, जैसे कि देख सकते हैं, इसको डिस्पैच बोलते हैं। जैसे कि आपके पास बाइक होगी तो आप देखते होंगे, इसमें डिस्पैच लगता है, देखिए साफ उतना दिख नहीं रहा है, लेकिन ये डिस्पैच बोलते हैं इसको। और ये जैसे कि देख सकते हैं, एबीएस प्लेट है, इसमें काफ़ी शानदार बना दिया है, क्योंकि जो आगे का पहिया रहता है स्लिप नहीं होता है, कितना भी कस के ब्रेक मार देंगे वो स्लिप नहीं होगा। जैसे कि पहले जो जूनी गाड़ी है डिस्क ब्रेक है उसको मार देंगे तो तुरंत स्लिप हो जाता है। और उसके बाद इसमें देख सकते हैं, ये जो ऑयल सील लगा हुआ है इसके अंदर दो बैरिंग रहेगा, दोनों बैरिंग को चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब बैरिंग ख़राब रहेगा तो जो हमारा पहिया है हिलेगा, और ऐसे मालूम नहीं पड़ता है, जब खोलेंगे इसको खोल के बाहर निकालेंगे, जो कैलीवर है जिसको कैलीवर बोलते हैं, इसको बाहर निकालने के बाद हमारा जो बैरिंग रहता है मालूम पड़ता है गया है कि नहीं, डैमेज हुआ है कि नहीं। तो अभी इसको हम फटाफट खोलेंगे, जैसे कि अभी। तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं, हमने पीछे का जो पहिया है खोल दिया है, जिसको टायर बोलते हैं, मैग्री बोलते हैं, जो भी बोलते हैं उसको, जैसे कि खोल कर पूरा जैसे कि बाहर निकालें। जैसे कि आपको दिखा देते हैं, ये वायरिंग है, इसको चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और इसके साथ साथ जो लाइन, जैसे कि देख सकते हैं, इसको ब्रेक शू भी बोलते हैं, ब्रेक लाइनर भी बोलते हैं। तो और ये चैन सॉकेट है, जैसे कि और ये चैन है, इसको जो पेट्रोल होता है, डीजल होता है, किरोसिन होता है, या आप पानी से भी साफ़ कर सकते हैं, जैसे कि इस पर थोड़ा केरोसिन लगा के आप प्रेशर के पानी से, जैसे कि जब सर्विस सेंटर में जाते हैं आप, तो इसको क्लीन करवा सकते हैं। जब क्लीन करवाएंगे तो ये जो अंदर का मिट्टी रहता है सारा कचरा निकल जाता है। और कभी कभी देखते हैं, जैसे कि यहाँ से जो न्यूट्रलाइट स्विच रहता है, यहाँ से ऑयल लीक होने का समस्या बहुत ज़्यादा रहता है, इसमें भी हो रहा है, तो उसको ठीक कैसे करते हैं उसका वीडियो जैसे कि बाद में आपको बता के बना के दिखाएँगे। तो फिलहाल जैसे कि हम इस समय अकेले हैं, इसको जैसे वीडियो बनाने में काफ़ी, तो अभी देख सकते हैं ये जो ड्रम रबड़ है, जब भी आप सर्विसिंग गाड़ी करा रहे हैं, जैसे कि आपके पास जूना गाड़ी है, तो आप ये जो ड्रम रबड़ है इसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इससे जो होता है हमारा पिकअप में बहुत फर्क आता है, तो इससे डालने की वजह से जो हमारा गाड़ी का पिकअप रहता है काफ़ी अच्छा हो जाता है। और गाइस जैसे कि दिखा देते हैं आपको, जैसे कि देख सकते हैं इसमें कितना कचरा भरा हुआ है, तो इसको क्लीन करेंगे, और देख सकते हैं जो ऑयल लीक हुआ है, ये पूरा ऑयल लीक हो गया है। इसके साथ साथ जो चैन कवर है देख सकते हैं, इसमें ऑयल पूरा भरा हुआ है, तो इसको पानी से जो क्लीन करेंगे, और इसका जो इंजन ऑयल है उसको साथ चेंज करेंगे, और जो फिल्टर है उसको खोल के दिखाते हैं कैसा है। और तो गाइस इसको फटाफट कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। और जब भी आपका गाड़ी जूना हो गया है, जैसे 2-3 साल हो गया है, तो इसमें एक पेट्रोल फिल्टर लगता है, जो फ्यूल पम्प जिसको बोलते हैं। तो कोई कोई गाड़ी का देखते हैं, जैसे कि अभी हीरो का आया है, जो स्प्लेंडर है, पैशन है, सबका इसमें फ्यूल पंप दिया है टाके में, लेकिन जो साइन है, यूनिकॉर्न है, एक्टिवा है, ये सबका बाहर दिया हुआ है। तो इसमें फिल्टर लगता है, ज़्यादा महंगा नहीं आता है, आप शॉप पे जाके पता कर सकते हैं कितने का है। इसको चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसको चेंज नहीं करेंगे तो आपका गाड़ी झटका मारेगा, बंद होएगा, तो उसका प्रॉब्लम आपको आ सकता है। और ये जो हमारा है सेंसर है, जैसे कि पिकअप सेंसर है, इसकी वजह से अगर
कभी आपकी गाड़ी में दिक्कत आ रहा है पिकअप में, तो आप यहाँ से इसको खोल के 10 mm का वोल्टेज देख सकते हैं, इसको खोल के क्लीन करके आप लगा सकते हैं, तो आपका गाड़ी का जो पिकअप है वापस जैसे कि पहले पिकअप था वैसे आ सकता है। तो गाइस इसको फटाफट कर चेक करके और फिटिंग कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं और फिल्टर और आयल, इसका आयल कितना निकल रहा है वो भी दिखाएंगे। तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं, आपको बताए थे कि चक्का फिटिंग करने के बाद दिखाते हैं आपको, तो हमने चक्का फिटिंग कर दिया है देख सकते हैं। अभी इसका वॉशिंग जो कराना बाकी है, जैसे कि अभी हम इस पर जो डीजल मारेंगे या पेट्रोल मारेंगे या केरोसिन मारेंगे, जो आपके पास ये यूज करने लायक है वो कर सकते हैं, जो आपके पास उपलब्ध है उसका ही यूज करें, क्योंकि ये जो काला काला दिख रहा है सब निकल जाएगा। अभी हम धुला के इसको वॉशिंग करा के ला के आपको दिखाते हैं और गाड़ी सर्विसिंग कैसे करते हैं तो आपको बताते हैं। तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं, आपके पास बाइक होता है जैसे कि हर साइन यूनिकॉर्न में देखते हैं, जैसे कि ये वाला जो न्यूट्रल लाइट का स्विच है ये सिस्टम दिया हुआ है, तो कभी भी जैसे कि देखते हैं यहाँ से ऑयल लीक होने लगता है। इसका मेन रीज़न क्या होता है, जैसे कि हम कहीं दूर से आए, गाड़ी चला कर आए और इंजन हीट है, तो हम क्या करते हैं साइड स्टैंड पे लगाते हैं, जैसे कि ऐसे आए फटाक से स्टैंड हटाए और यहाँ पे लगा दिए, तो ये जो ऑयल रहता है एकदम हीट रहता है, तो यहाँ तक ऑयल आता है जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ इसमें ऑयल आता है और यहाँ पे एक ओरिंग लगा रहता है, जैसे कि दिखा देते हैं यहाँ पे एक ओरिंग लगा होता है। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हर जगह आई सील का यूज होता है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ गियर शाफ्ट में जो है ऑयल सील लगा है, फिर ये जो मेन शॉफ्ट है जैसे कि इसको आउट शॉफ्ट बोलते हैं या मेन शॉफ्ट भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो इसमें जैसे कि ऑयल सील रहता है, तो हम क्या करते हैं आते हैं तो फटाक से साइड स्टैंड पे लगा देते हैं गाड़ी। इसका जो रीज़न होता है, जो ऑयल हीट होता है वो हमारे जो ऑयल सील पे आता है, जो रबड़ रहता है वो हीट होकर वो टाइट हो जाता है, जैसे कि कड़क हो जाता है, वहाँ से ऑयल लीकेज होना चालू हो जाता है। तो कभी भी आप जैसे कि गाड़ी दूर से लेके आ रहे हैं तो साइड स्टैंड पे ना खड़ा कीजिए, और मेन स्टैंड लगाने में 2 मिनट लगता है, 2 मिनट भी नहीं लगता है, 2 सेकंड लगता है मेन स्टैंड लगाने में। तो इससे क्या होता है, आपका फ़ायदा जो ऑयल सील है वो सालों साल चलता है, जल्दी कटता नहीं है, जो उसका टेम्परेचर रहता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो कभी भी ऐसा आपको जैसे लग रहा है कि हम साइड स्टैंड पर लगा रहे हैं तो हमारा बार बार ऑयल लीक हो जा रहा है, तो आप मेन स्टैंड लगा कर सही कर सकते हैं, तो आपका जो ऑयल सील है वो कटेगा नहीं। तो अभी जो ये देख सकते हैं, जैसे कि आपको बताए ये जो इसका ओरिंग है वो हार्ड हो चुका है, तो अभी देख सकते हैं हम अभी नया शॉप चालू किए हैं, तो देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल का लोगो लगाया हुआ है, तो अभी इसमें जैसे कि हमारे पास इसका जो पार्ट है अनलेबल नहीं है, तो इसको हम किस तरह से ठीक करेंगे तो आपको दिखा देते हैं। जैसे कि ये देख सकते हैं ये पैकिंग ट्यूब है, इसको देख सकते हैं ये जो रबड़ रहता है, तो ये जो चूना वाला ओरिंग है इसको आप ज़्यादा महंगा नहीं आता है, 2 से 3 रुपये तक लगाता है, हद से ज़्यादा 5 रुपये आएगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, तो आप इसको नया भी बदली कर सकते हैं जब कड़क रहे तो। अभी ये नरम है देख सकते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो पैकिंग ट्यूब है इसको लगाकर यहाँ पे इसको जो लीकेज है उसको बंद कर देंगे, वहाँ से ऑयल अभी लीक नहीं होगा। तो गाइस अभी इसको हम फटाफट कर लेते हैं, फिर इसके आगे जो फिल्टर है उसको दिखाते हैं, तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा एक एक पार्ट जो है। तो अभी हम तो पूरा अच्छे तरह से जैसे कि सॉरी तो जैसे कि आप देख रहे हैं हम अकेले हैं, अकेले जैसे कि वीडियो बना रहे हैं तो उसमें पूरी तरह से हम गाड़ी को कवर कैप्चर नहीं कर पाते, जैसे कि पूरा दिखा नहीं पाते हैं, और जो हमारा लैंग्वेज है बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं तो कोई लैंग्वेज में गलतियाँ हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। और चलिए इसको देखते हैं, और जैसे कि बताए थे इसका फिल्टर खोलेंगे तो उसके बारे में दिखाएंगे, तो उसका फिल्टर जो BS6 का होता है कितने टाइम पे चेंज किया जाता है उसके भी बारे में दिखाएंगे आपको। तो जैसे गाइस देख सकते हैं ये हमने इसको क्लीन किया, जैसे कि थोड़ा सा पेट्रोल यूज किए और कपड़े से थोड़ा थोड़ा करके पोल दिए, ज़्यादा पेट्रोल भी नुकसान नहीं हुआ और काफ़ी क्लीन हो चुका है। तो गाइस वैसे ही इसको भी आप क्लीन कर सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं थोड़ा सा पेट्रोल मारे और ये क्लीन हो गया। अभी इसको जाएंगे हम जो सर्विस सेंटर है उस पर क्लीन करा देंगे तो और साफ़ हो जाएगा। तो और इसका जो फिल्टर है उसको दिखाते हैं किस पोजीशन में है, तो उसको भी आपको दिखाते हैं। तो जब भी आप देखते हैं आप नया गाड़ी लेते हैं तो आपको पता नहीं रहता है कि इसका फिल्टर कहाँ रहता है, तो सीट ओपन करेंगे तो इसके जो टाकी के नीचे इसका फिल्टर दिख जाता है, और जो साइन का है पहले जो ओल्ड वाले था BS4 BS5 था वो
सीट के नीचे था, अभी जो भैया सिक्स है उसका बैटरी साइड दिया है, जैसे कि जिस साइड बैटरी रहता है उधर रहता है। तो साइन का सिर्फ इधर दिया है, बाकी यूनिकॉर्न का जहाँ था जैसे कि VS4 VS3 जैसे जो भी था, अब VS6 भी आ गया है तो ये सीट के नीचे ही दिया है। तो अभी इसको हम खोल लेते हैं और दिखाते हैं, देख सकते हैं कितना धूल मिट्टी बैठा है, फटाफट खोल लेते दिखाते हैं। तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं ये चार स्क्रू ओपन कर लिए है। तो अभी चार स्क्रू ओपन करने के बाद ये फिल्टर ऐसे ही नहीं निकल जाएगा, तो जैसे कि इसका जो एक वोल्ट है ये खोलना पड़ेगा टाकी का, क्योंकि इसमें अटैच रहता है, जैसे कि इसमें अटैच रहेगा तो ये नहीं निकलेगा। आपको निकाल के दिखा देता है, जैसे कि देख सकते हैं ये फंसेगा, ये नहीं निकलेगा, बहुत उसे वो लंबा बोल्ट रहता है। तो इसको जब खोलेंगे तभी ये जो कवर है ये बाहर आएगा। तो इसको फटाक से ये 12 mm का बोल्ट है तो इसको खोल लेते हैं, तो फिर फिल्टर निकालते हैं। तो देख सकते हैं जैसे कि ये बोल्ट 12 mm के पाना से खोलिए है, अभी इसको जो है फिल्टर बॉक्स बाहर आ जाएगा, देखिए बाहर आ गया। और ये जो फिल्टर है अभी हम इसको 1 महीना पहले डाले थे जैसे कि चेंज किए हुए थे, तो अभी फिल्टर एकदम सही है जैसे कि देख सकते हैं। फिर साफ करके इसको लगा देते हैं, क्योंकि हमारा जो फिल्टर है यही चल जाएगा। आज जब भी आप गाड़ी सर्विसिंग करा रहे हैं तो देखते हैं इसमें धूल मिट्टी पड़ जाता है, तो जो उसको चेंज नहीं करेंगे तो इसमें जो टोटल बॉडी है वो ख़राब होएगा, उसमें ज़्यादा मिट्टी जमा हो जाएगा और उसमें जाके जो पिस्टन रहता है हमारा पिस्टन को काट देगा और पिस्टन जो है ख़राब हो जाएगा और इंजन में काम निकलेगा। तो जब भी सर्विसिंग करा रहे हैं तो ये फिल्टर चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। तभी हम इसको क्लीन करके लगाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं ये फिल्टर पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। अभी जिसके इसको हवा मारना पड़ता है, जब हवा मारेंगे तभी ये सही होता है, जो अंदर का पूरा गर्दा रहता है निकल जाता है। और जैसे कि कभी कभी ठोक के साफ करते हैं तो देखते हैं कभी कभी क्रेक हो जाता है, तो बहुत सावधानी से जैसे कि ऐसे पटक के साफ करें। और देख सकते हैं जो ये साइड साइड धूल मिट्टी रहता है इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम कर लिए इसको साफ, और जो है अभी इसका जो सीट ओपन करके पूरा वॉशिंग कराएंगे। अभी इसको हम फिटिंग कर लेते हैं फिल्टर, और जो इसका टोटल बॉडी है कैसे क्लीन करते हैं उसका बाद में वीडियो बना के दिखाएंगे आपको, कैसे क्लीन करते हैं और उसका टोटल बॉडी क्लीनर क्या होता है। आपके पास जो WD-40 होता है उससे भी क्लीन कर सकते हैं, काफ़ी खास तरीके से हो जाता है क्लीन। अभी तो इसको फटाफट फिटिंग कर लेते हैं। तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं फिल्टर फिटिंग हो चुका है। अभी जो जैसे कि आपको बताए थे इसका इंजन ऑयल के बारे में, कितना इसमें इंजन ऑयल पड़ता हुआ है, तो जैसे कि देख सकते हैं इसमें अभी 1 लीटर बराबर ऑयल है। तो इसमें क्या है कि जैसे कि आप देखे थे, जैसे कि आपके पास यूनिकॉर्न जैसे कि VS4 या ओल्ड मॉडल जैसे कोई भी था तो उसमें 1200 ml आता था। अभी जैसे कि साइन है उसमें 1 लीटर आता था, एक्टिवा है उसमें 800 ml आता था। तो ऐसे कर करके जैसे कि VS6 जब से आया है बाइक, उसमें जो जिसमें 1 लीटर पड़ता था, जैसे कि आपको इसको यूनिकॉर्न के बारे में बता देते हैं, तो जैसे कि यूनिकॉर्न में 1200 ml ऑयल पड़ता था तो इसमें 1 लीटर कर दिया है, और जो साइन था उसमें 1 लीटर पड़ता था तो उसमें 800 ml कर दिया है, और एक्टिवा में 800 ml पड़ता था तो उसमें 600 ml कर दिया। तो गाइस ऐसे कर करके इसका जो लेवल है वो कम कर दिया है, और ज़्यादा तक देखेंगे अभी एक्टिवा का जो इंजन है उसमें ज़्यादा काम निकल रहा है, जैसे कि टोटल बॉडी क्लीन नहीं कराते हैं, जैसे कि फिल्टर क्लीन नहीं कराते। गाड़ी ले लेते हैं तो चलाते रहते हैं और टोटल बॉडी और फिल्टर इंजन ऑयल टाइम से चेंज नहीं करते हैं, उसकी वजह से जो एक्टिवा VS6 है उसमें कोई भी बाइक है जैसे कि टोटल बॉडी जो क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि फिल्टर हुआ, फ्यूल पंप इंजेक्टर, जैसे कि फ्यूल पंप का जैसे कि फिल्टर हुआ, ये सब क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। क्लीन नहीं करेंगे तो आपके इंजन में काम निकलेगा। आप गाड़ी लिए हैं तो जल्द से जल्द उसका जो फिल्टर है उसको चेक कराएं, और टोटल बॉडी जो है उसको WD-40 की मदद से उसको क्लीन कराएं, और या खोल के क्लीन कराएं, और जहाँ जो मिस्त्री है उसका उसी के पास दिखाएं। इधर उधर दिखाएंगे जैसे कि कम पैसे में हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो ऐसा सोचेंगे तो आपका जो इंजन है काफ़ी ख़राब हो सकता है और सर्विस बेहतर आपको नहीं मिल पाएगा। तो अभी चलिए क्लच कवर साइड चलते हैं और आपको दिखाते हैं उस पर इंजन पे लिखा है कि नहीं लिखा है, तो उसमें आपको दिखाते हैं। इसमें मेरे हिसाब से 1 लीटर ऑयल पड़ेगा, 1200 ml नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो इसका हम बुक पड़े थे तो उसमें ना ही दिया है 1 लीटर। तो आपको दिखा देते हैं उसमें, तो देख सकते हैं ये क्लच कवर के साइड आ चुके हैं, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ से ऑयल डालते हैं। तो हम जब गाड़ी सर्विस कर रहे थे, जब नई नई आई थी, तो हम भी सोचे थे कि इसमें 1200 ml लगता है। फिर हम जैसे कि हमारे एक मित्र हैं एजेंसी में काम करते हैं, तो हम उनसे पूछे कि हाँ सर ऐसा ऐसा है, तो बोले कि नई गाड़ी है तो उसमें आप ये कीजिए कि
कि एक ही लीटर ऑयल डालिए, उससे ज़्यादा मत डालने से क्या होता है प्रॉब्लम, जैसे कि जो ऑयल सीट रहता है, हेड रहता है, जैसे कि यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से ज्वाइंट रहता है इसका, जो बोल्ट रहता है वहाँ ओरिंग लगा रहता है, तो ज़्यादा ऑयल डालने की वजह से वहाँ से लीकेज होने लगता है। तो कभी भी आप इंजन खुलवा रहे हैं, फिटिंग करा रहे हैं, इंजन ऑयल चेंज कर रहे हैं, क्लच प्लेट चेंज कर रहे हैं, तो उसमें जितना कंपनी का ऑयल है उतना ही डालिए, उससे ज़्यादा चेंज करेंगे जैसे कि डाल देंगे तो आप सोचते हो कि अच्छा हो जाता है, अच्छा के वजह वो बेकार हो जाता है। कैसा है कि जो ऑयल रहता है वो बराबर तरह से घूम नहीं पाता, एयर नहीं पा पा रहता है, इसकी वजह से वो फेंकने लगता है। तो अभी हम इसमें एक ही लीटर ऑयल डालेंगे, और जैसे कि हमारे पास जैसे कि जानते हैं नया स्पेयर पार्ट का दुकान डाले हैं, जैसे कि गैरेज नया डाले हैं, तो हमारे पास होंडा का ऑयल नहीं है, तो हम कैस्ट्रोल डालेंगे। तो हमारे पास कैस्ट्रोल का है, एचपी है, मोटुल है, ये सब है, तो हम इसमें कैस्ट्रोल का यूज करेंगे। मोटुल का भी डाल सकते हैं, लेकिन क्या है कि मोटुल का जो है ऑयल जल रहा है, इसके लिए मोटुल का ऑयल नहीं डालेंगे, कैस्ट्रोल डालेंगे। तो अभी इसमें ऑयल डालेंगे और आगे का जो व्हील है उसको खोल के चेक करेंगे। तो गाइस अभी समय ज़्यादा हो रहा है, इसकी वजह से गाड़ी समय से देना है हमको, इसके लिए फटाफट कर लेते हैं, फिर देख सकते हैं गाड़ी की हालत कैसी है, पूरी तरह गंदी हो चुकी है। तो अभी हम इसको धुला के क्लीन करवा के लेके आ रहे हैं और पॉलिश मारेंगे, और देखिए गाड़ी का लुक कैसा आएगा। तो मिलते हैं अभी गाड़ी धुलाने के बाद। तो गाइस देख सकते हैं जैसे कि गाड़ी ऑलरेडी धुला के आ चुकी है, जैसे कि आपको दिखाए थे भी कि कैसे गाड़ी वॉशिंग होता है, और चैन के बारे में जैसे कि आपको बताए थे कि देख सकते हैं कि चैन पूरा क्लीन हो गया है, और इसमें जैसे कि ये ग्रीस लगा दिए हैं जाड़ा वाला, जैसे कि चैन आवाज़ नहीं मारेगा। तो देख सकते हैं पूरी अच्छी तरह से क्लीन हो चुका है, और इसका जो चैन कवर है देख सकते हैं पूरा अच्छी तरह से, जिसमें पूरा ऑयल लग गया था ये भी पूरा क्लीन हो चुका है। अभी हम इसको फटाफट फिटिंग करके और पॉलिश मारते हैं और दिखाते हैं। तो गाइस देख सकते हैं जैसे कि पॉलिश मार के रेडी कर दिए हैं गाड़ी को, कभी देख सकते हैं कितना क्लीन हो चुका है और साफ सुथरा पहले से बेहतर हो गया है। जैसे कि कभी कभी देखते हैं ज़्यादा धूप में खड़े करने से वाइट वाइट धब्बा आ जाता है, जैसे कलर डल होने लगता है, तो अभी हम पॉलिश मार दिए तो काफ़ी अच्छा से तरह से क्लीन हो चुका है। तो गाइस ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब